नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की जैसे ही कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाया वैसे ही ये सवाल उठ खड़े हुए, पहले भी उठे थे और फिर दो दिन पहले यानी 1 मार्च को उठे कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन ही क्यों लगवाया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनका की जो कोविशील्ड है उसको क्यों नहीं लगवाया, पहली बात। दूसरी बात कि जब ये दोनों वैक्सीन लगानी शुरू हुई थी तब कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने, यानी कि उसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे आगे थे, इस वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाए थे और इसके ट्रायल को लेकर के सवाल उठाए थे। अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन इसलिए लगवाया क्योंकि अभी जो कंपनी ने 2 दिन बाद रिजल्ट जारी किया है उसमें बताया है कि किस तरीके से उसकी वैक्सीन जो है 81% कारगर पाई गई है। दरअसल इसी डेटा का इंतजार हो रहा था और सरकार को 2 दिन पहले ये डेटा पता चल गया था। 3 चरण में ट्रायल होते हैं, पहले और दूसरे चरण में कम लोग लिए जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें रिस्क होता है, जबकि तीसरे चरण में जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उसमें ज़्यादा लोग लिए जाते हैं। और भारत बायोटेक ने इसमें 25,800 लोगों को शामिल किया था और तीनों चरण मिलाकर के 27,000 से अधिक लोग शामिल किए गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका का जो रिजल्ट था उससे बेहतर रिजल्ट पाया गया है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लगवाया, एक बात। दूसरी बात, भारत बायोटेक की खासियत यह है कि पूर्ण रूप से ये स्वदेशी कंपनी है। इन्हें पूरी दुनिया में ये भी मैसेज देना था कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई है वो बहुत ज़्यादा कारगर है, 81% कारगर रिजल्ट मिलना बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना जाता है। एक बात और निकल करके आई है कि चाइना ने जो साइबर अटैक किया था जब 12 अक्टूबर को मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, उसके बाद उसने जो है इन वैक्सीन पे भी फार्मूला जानने के लिए अटैक करने की कोशिश की थी। ये बात अलग है कि चूंकि ये खबरें पुष्ट नहीं होती है इसलिए सरकार जल्दी रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन ये भी बात पता चल गई है। तो प्रधानमंत्री के को वैक्सीन लगवाने का ये सबसे बड़ा कारण है कि स्वदेशी कंपनी, ताकि विदेश में मैसेज आए। और दूसरी बात ये कि इसका रिजल्ट ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका के कोविशील्ड से बेहतर है, उसका 70% के आसपास रिजल्ट है और इसका 81% रिजल्ट है। कोवैक्सीन की एक और खासियत है कि वो अब नाक से वैक्सीन देने के लिए नोजल वैक्सीन जो है वो तैयार कर रही है, उसका बहुत जल्दी ट्रायल शुरू होने जा रहा है। और उसकी खासियत यह है कि उसके एक डोज से ही कोरोना पे काबू पाया जा सकेगा। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोवैक्सीन लगवाने का की असली वजह। और अब जो है राजनेता, राजनीतिक दल राजनीति करते हैं तो करते रहें, प्रधानमंत्री और बीजेपी भी अपने अंदाज में राजनीति करती है। इसको निकल करके एक और खबर आ रही है कि किस तरीके से मोदी सरकार इसको भुनाने जा रही है, उस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल तो यही कारण निकल करके आया है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।